जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों इस टाइम मैं आया हूं बिहार के बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक प्लेस राजगीर घूमने के लिए। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको राजगीर यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी राजगीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल कहां पर लेना चाहिए, यहां पर घूमने का सही तरीका क्या है, आप यहां पर कहां कहां घूम सकते हैं, यहां पर खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज़ हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो राजगीर यात्रा की ए टू जेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। देसी नहीं विदेशों से भी बहुत से लोग यहां पर घूमने आते हैं। राजगीर अपनी हरी भरी पहाड़ियों, झरनों, गर्म कुंड, जंगल सफारी और धार्मिक प्लेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये स्थान हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। राजगीर को राजगृह के नाम से भी जानते हैं। ये कभी मगध राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों राजगीर में ही वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा पटना और गया भी यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। राजगीर से पटना की दूरी 100 किलोमीटर और गया 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट गया में है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो अपनी खुद की कार से भी यहां तक आ सकते हैं। बहुत से होटलों के अलावा यहां पर आपको प्राइवेट पार्किंग फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो चलिए बहुत ही शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर, और अब हम लोग बात करते हैं यहां पर रुकने के लिए आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों राजगीर रेलवे स्टेशन से राजगीर बस स्टैंड की दूरी 1 किलोमीटर की है। ऑटो में 10 रुपये का किराया देकर आप बस स्टैंड के पास में आ जाइए। बस स्टैंड के 200 मीटर रेंज में आपको बजट से लेकर वीआईपी होटल्स मिल जाएंगे। यहां पर होटल्स की स्टार्टिंग 600 रुपये से हो जाती है। 1000 से 1200 के बजट में आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा। तो एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब जानते हैं यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या है। दोस्तों यहाँ पर प्लेसेस दूर दूर स्थित हैं, तो आप ई रिक्शे से भी जा सकते हैं। ई रिक्शा वाले 7 से 8 प्लेसेस के लिए 400 से 500 रुपये का चार्ज करते हैं, लेकिन ई रिक्शा शांति स्तूप तक नहीं जाता है। इसके अलावा आप यहां पर घोड़ा गाड़ी से भी जा सकते हैं, जिसे यहां पर टमटम कहते हैं। इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। शेयरिंग में सभी प्लेसेस के लिए 200 से 250 रुपये और रिजर्व में 4 से 5% के लिए 700 से 800 रुपये का चार्ज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे सोन भंडार। दोस्तों ऐसा माना जाता है यहाँ पर सोने का गुप्त भंडार है। मगध साम्राज्य के हर्यंग वंश के राजा बिम्बिसार का यहाँ पर सोने का गुप्त भंडार है, जिसे आज तक कोई भी खोज नहीं पाया। यहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं। इन्हीं गुफाओं के पीछे सोने का भंडार माना जाता है। अंग्रेजों ने भी एक बार तोप के गोले से इन गुफाओं को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। बहुत ही अच्छा और शानदार प्लेस है, यहाँ पर घूमकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ देर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट प्लेस। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जरासंध का अखाड़ा भी मौजूद है, आप यहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों मेन रोड के पास में सोन भंडार मोड़ पर ही मनियार मठ स्थित है। ये स्थान नागा पंथ का पूजा स्थल माना जाता है। यहाँ पर कुआं स्वरूप में प्राचीन मठ बना हुआ है। मठ के चारों ओर कुछ मूर्तियां भी स्थापित हैं, तो आप यहाँ पर भी कुछ समय बिता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे शांति स्तूप। दोस्तों ये विश्व शांति स्तूप रतनगिरी पहाड़ी पर 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। आप ऊपर तक पैदल या रोप वे से जा सकते हैं। रोप वे में राउंड ट्रिप के लिए 120 रुपये पर पर्सन का चार्ज रहता है। रोप वे से आप राजगीर की दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ियों के शानदार नज़ारे देख पाएंगे। पहले यहाँ पर सिंगल पर्सन रोप वे चलती थी, लेकिन अब 4 से 5 पर्सन वाली केबिन रोप वे चलती है। तो रोप वे का प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं विश्व शांति स्तूप के पास में। दोस्तों इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापानी संस्था द्वारा 1969 में हुआ था। स्तूप के चारों ओर
बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित हैं। ये प्यारा सा स्तूप 120 फीट ऊंचा है। साथ ही स्तूप के पास में ही जापानी मंदिर है। राजगीर आने वाले सभी लोग यहाँ पर घूमने जरूर आते हैं। बहुत ही प्यारा प्लेस है, आप भी यहाँ पर घूमने जरूर आइए। तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा घूमने के बाद में अब हम लोग नीचे आ जाएंगे और राजगीर साइड वापसी करेंगे और अब हम लोग चलेंगे ब्रह्मकुंड। दोस्तों राजगीर में 22 कुंड हैं। सभी कुंडों का अपना अपना धार्मिक महत्व है। यहाँ पर ब्रह्मकुंड, गंगा कुंड, राम लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड और सरस्वती कुंड प्रमुख कुंड हैं। दोस्तों ब्रह्मकुंड में 7 गर्म पानी की धाराएं हैं जिन्हें सप्तधारा कहते हैं और ये सप्त ऋषि को समर्पित हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा कुंड भी बना हुआ है। साथ ही साथ पास में बहुत से प्राचीन मंदिर भी स्थापित हैं, तो आप यहां पर स्नान और दर्शन आदि कर सकते हैं। ब्रह्मकुंड मेन मार्केट के पास में ही बहुत ही प्यारा सा गुरुद्वारा भी बना हुआ है। गुरुद्वारे में जाकर आप मत्था टेक सकते हैं, साथ ही साथ आप यहां पर लंगर भी कर पाएंगे। गुरुद्वारे में शीतल जल का कुंड भी बना हुआ है। तो चलिए गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद में अब हम लोग चलेंगे जरासंध मंदिर, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों जरासंध मगध का शासक था और इसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी। जरासंध का संबंध महाभारत से मिलता है। जरासंध को अमर होने का वरदान भी था। यहीं पर जरा देवी का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। आप मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे जापानी मंदिर, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये जापानी मंदिर विशेष शैली में बना हुआ है। मंदिर के अंदर बहुत ही प्यारी बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही मंदिर के अंदर इतिहास को भी बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। मंदिर के बाहर भी बुद्ध जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। आपको यहाँ पर बहुत ही शांति का अनुभव होगा। तो जापानी मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विरायतन, जो एक जैन संस्था है। यहाँ पर मंदिर और म्यूजियम भी बना हुआ है। यहाँ पर 50 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। आप यहाँ पर जैन मंदिर में दर्शन आदि भी कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर बहुत ही प्यारा म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ पर महावीर स्वामी के जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा, आप अपनी लिस्ट में इस प्लेस को जरूर शामिल करें। दोस्तों इन सभी प्लेसेस को कवर करने में आपको शाम हो जाएगी। तो शाम को हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंगे राजगीर नेचर सफारी। दोस्तों राजगीर नेचर सफारी ब्रह्मकुंड रोड पर ही बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऑटो में 20 से 30 रुपए देकर आप यहां तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों राजगीर नेचर सफारी ग्लास ब्रिज और वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा रहता है आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में वाइल्ड लाइफ सफारी का टिकट तो मिल जाता है, लेकिन ग्लास ब्रिज के लिए आपको सुबह 4 से 5 बजे लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि ग्लास ब्रिज के लिए डेली 800 टिकट ही अलॉट हैं, जो ऑनलाइन ही बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। आप इसकी बुकिंग राजगीर नेचर सफारी की ऑफिशियल वेबसाइट से 3 दिन पहले से कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे 300 रुपये का टिकट लगता है और मंडे को राजगीर नेचर सफारी बंद रहता है। दोस्तों चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे यहाँ के नज़ारे बहुत ही प्यारे लगते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी में आपको बस से ले जाया जाता है, जहाँ पर आप हिरन, भालू, तेंदुआ, चीता और शेर देख पाएंगे। चीता और शेर कभी कभी तो आसानी से दिख जाते हैं और कभी कभी नहीं भी दिखते हैं। वहीं यहाँ पर ग्लास ब्रिज का एक्सपीरियंस सबसे खास रहता है। मैक्सिमम लोग ग्लास ब्रिज पर ही इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आते हैं। फ़ोटो शूट के लिए तो ये जन्नत है। इसके अलावा नेचर सफारी में आप बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर पाएंगे। लास्ट में आप यहाँ पर म्यूजियम भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप बटरफ्लाई लाइट शो भी देख पाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर थिएटर में भी जा सकते हैं, जहाँ पर 15 मिनट का बहुत ही प्यारा नेचर रिलेटेड शो भी होता है। तो यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहां तक जाने के लिए आप रिजर्व ऑटो बुक कर सकते हैं या फिर बस से भी जा सकते हैं। बस आपको हाईवे के पास उतार देती है, फिर वहां से ऑटो में 10 रुपए का किराया देकर आप विश्वविद्यालय के पास तक आ जाएंगे। दोस्तों नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, जो बौद्ध धर्म को समर्पित था। यहाँ पर देसी नहीं विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे।
दोस्तों इसका निर्माण 5वीं सदी में गुप्त वंश के महान शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था। वहीं सन 1200 के आसपास बख्तियार खिलजी ने इस विशाल विश्वविद्यालय को अपनी क्रूरता से नष्ट करा दिया। कहते हैं यहाँ का विशाल पुस्तकालय लगभग 6 महीने तक चलता रहा। सन 1915 से 1937 तक खुदाई कर इस स्थान को निकाला गया। यहाँ पर आप बहुत से मंदिर के अवशेष भी देख सकते हैं। दोस्तों ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ पर 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र रहा करते थे। यहाँ पर चीन, कोरिया, श्रीलंका, जापान, तिब्बत और बहुत से देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। आप यहाँ पर विशाल छात्रावास भी देख पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत से अवशेष यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की और भी बहुत सी रोचक जानकारी जानने के लिए आप यहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नालंदा में घूमने के बाद में आप चाहें तो अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं या फिर आप गया भी घूमने जा सकते हैं। इन सभी प्लेसेस के अलावा भी राजगीर में और भी बहुत से छोटे बड़े प्लेस हैं। आप अपने टूर प्लान के हिसाब से सभी को कवर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर खाने पीने की बात करें, आपको वेज, नॉन वेज, राजस्थानी, गुजराती हर तरीके का फूड मिल जाएगा। ब्रह्मकुंड के आसपास खाने पीने की बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आप अगर चाहें तो ब्रह्मकुंड के आसपास भी खाना पीना कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक आप यहाँ पर कभी भी घूमने आ सकते हैं। इस टाइम पर यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। मई और जून में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो आप कम से कम 2 डेज और 1 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। इसके अलावा 3 डेज और 2 नाइट का प्लान यहाँ के लिए इनफ रहता है। बात करें सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की, दोस्तों अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि 4,000 से 5,000 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस टूर को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको राजगीर यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारी फैमिली यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।